नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं तो सर्किट ब्रेकर का नाम तो आप जरूर सुने होंगे। अगर सर्किट ब्रेकर ना होता तो ना जाने कितने जीवन और कितने करोड़ों रुपए का हानि हो जाता। दोस्तों सर्किट ब्रेकर के नाम में ही उसका फंक्शन छुपा है। सर्किट ब्रेकर यानी वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो सर्किट को ब्रेक करता है। दोस्तों सर्किट ब्रेक दो तरह से होता है, पहला फॉल्ट आने पर अपने आप ब्रेक हो जाना और दूसरा कोई काम करने के समय मैनुअली सर्किट को ब्रेक करना। तो चलिए जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से सर्किट ब्रेकर तीन तरह के होते हैं, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। 1000 वोल्ट के अंदर जो सर्किट ब्रेकर यूज होता है उसे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। 1000 से 72000 वोल्ट के रेंज में यूज होने वाले सर्किट ब्रेकर को मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और इसके ऊपर के वोल्टेज में यूज होने वाले सर्किट ब्रेकर को हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। दोस्तों सर्किट ब्रेकर में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट और दूसरा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। ये दोनों कॉन्टैक्ट्स एक क्लोज चेंबर में बंद रहता है। नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में सटे रहते हैं और जब ये ऑपरेट होती है तो कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस के दौरान कॉन्टैक्ट के बीच फायर यानी आर्क प्रोड्यूस होती है। ये आर्क वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ बहुत ही बढ़ जाती है, इसलिए इस आर्क को जल्दी से बुझाना यानी क्विंचिंग करना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आर्क एक करंट फ्लोइंग मीडियम बन सकता है जिससे दोनों कॉन्टैक्ट्स में करंट फ्लो हो सकती है। इसके अलावा ये आर्क कॉन्टैक्ट के लाइफ को भी घटा सकता है। तो हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में इस आर्क को बुझाने के लिए मतलब आर्क को क्विंचिंग करने के लिए किस चीज का यूज हो रहा है उसके ऊपर सर्किट ब्रेकर का नामकरण किया जाता है। जैसे ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर, VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, OCB मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर की। दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर और दूसरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ये नॉर्मली 800 से 10000 एम्पियर के रेंज में देखने को मिल जाता है और जो हमारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है उसे 400 केवी तक के लाइन में यूज किया जाता है। हालांकि अब 400 केवी के ऊपर के लाइन में भी यूज करने वाले एसी भी बाजार में अवेलेबल हो चुका है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में दोस्तों एक टैंक अटैच होती है जिसके अंदर हाई प्रेशर में एयर भरा हुआ रहता है। जब आर्क प्रोड्यूस होती है तो इस टैंक से नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी में एयर जाकर आर्क को बुझा देती है। दोस्तों एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होती है, इसलिए इस सर्किट ब्रेकर को काफी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसमें दोस्तों मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के बीच वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक हाई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। इस वजह से इसमें आग फैल नहीं पाता। ये सर्किट ब्रेकर 40 मिलीसेकंड के अंदर ही आर्क को बुझा सकता है। VCB को दोस्तों 11 केवी और 33 केवी लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है OCB यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर को भी दोस्तों दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसे MOCB भी कहा जाता है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल रहता है। ये वही ऑयल होता है दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है यानी मिनरल ऑयल। जब आर्क प्रोड्यूस होती है तो ये आर्क ऑयल को डिकम्पोज कर देता है जिससे कॉन्टैक्ट्स के बीच हाइड्रोजन बबल बन जाता है। ये हाइड्रोजन बबल आर्क को फैलने नहीं देता। अब आते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर पर। इसमें दोस्तों ऑयल को एज इंटरप्टिंग मीडियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना कि इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह, इसलिए इसमें बहुत ही कम ऑयल की जरूरत होती है। दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर में काफ़ी डिसएडवांटेजेस होती है, जैसे इसमें आग लगने की खतरा होती है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसके अलावा ऑयल में समय के साथ साथ कार्बन डिपॉजिट होने लगते हैं जिसे बाहर निकालना पड़ता है,
इन सब कारणों की वजह से OCB को अब उतना यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस को आर्क क्वेंचिंग मीडियम के हिसाब से यूज किया जाता है। SF6 गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से 2.5 गुना ज़्यादा होती है। इसके अलावा इस SF6 सर्किट ब्रेकर में आग लगने की खतरा ना के बराबर होती है, क्योंकि यह गैस जलता नहीं है। इन सब कारणों की वजह से SF6 सर्किट ब्रेकर को मेनली 66 kV, 132 kV और 220 kV के पावर ग्रिड में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो गया दोस्तों हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की बात। अब लो वोल्टेज के लाइन में कौन कौन से सर्किट ब्रेकर यूज होता है, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 MCB। दोस्तों MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB 2 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक अवेलेबल होते हैं। इसे घरों में मीटर के पास और इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ELCB लीकेज करंट से हमें प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये ओल्ड मॉडल होने की वजह से अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसकी जगह पर यूज होता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर यानी RCCB। RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये दोस्तों ELCB का अपग्रेड वर्सन है। नंबर 4 MCCB। MCCB मतलब होता है दोस्तों मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर नॉर्मली 80 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक करंट फ्लो होने वाली सर्किट में यूज होता है। और लास्ट में है दोस्तों ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर। इसे भी दोस्तों लो वोल्टेज के लाइन में यूज किया जाता है। तो दोस्तों सारे सर्किट ब्रेकर के बारे में जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।